एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम व्लॉग बना रहे हैं। ये मोटो बाइक रहेगा, मेरा पहला व्लॉग है ये मोटो बाइक में। तो ये व्लॉग क्या है, हम गोवा में हैं, हम इधर साउथ गोवा में, मारगांव में। हम साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा की तरफ जा रहे हैं ऑन बाइक। तो आपको पूरी जर्नी दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। हम किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं अपने। एक्चुअली नॉर्थ गोवा से भी थोड़ा आगे पेनेम जगह है गोवा में, वो बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र के साथ। चलिए हमारे साथ ये व्लॉग को देखिए एंड तक और आप भी मजा उठाइए। ये अभी हम मारगांव में हैं, थोड़ा ट्रैफिक भी रहेगा यहाँ पे। मारगांव है, बस स्टैंड है यहाँ पे, फेमस KTC यही एक बस स्टैंड है बड़ा वाला। तो यहाँ से हम अभी टर्न लेंगे लेफ्ट साइड। तो ये नया बाईपास बना है, रोड अच्छा है, रोड वाइड है, तो बाइक गाड़ी कुछ भी चलाने के लिए अच्छा है। वॉस्को वाला सिग्नल एक्चुअली निकलते ही एक आगे और सिग्नल आता है, उस सिग्नल से आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वास्को एयरपोर्ट है, जो डेबोलिम एयरपोर्ट गोवा का, वो रास्ता जाता है। वो मैं दिखाता हूँ आपको ये वीडियो में। और ये यहाँ पे जो ट्रक आ गया आगे, ये रास्ता जा रहा है ना, ये जाता है एयरपोर्ट को। हम नए फ्लाईओवर के ऊपर आ गए हैं। ये नीचे देखिए आप, वास्को डी गामा दिखा हुआ है ना रास्ता, ज़्यादा कुर्तालेम और वास्को डी गामा। ये फ्लाईओवर नया बना है, बहुत ही फैंटास्टिक बनाया है इन लोगों ने, ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए, नीचे का ट्रैफिक ना जाए। ओह क्या नज़ारा है यार, फ्लाईओवर बहुत ही लंबा है ये फ्लाईओवर। ये शायद ये भी एक लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर गिना जाएगा इंडिया में अगर देखा जाए तो। बहुत ही लंबा है ये। मैं लास्ट टाइम जब इधर आया था तो मैंने कंस्ट्रक्शन टाइम ही देखा था इसका, नीचे से हम लोग जाते थे, अभी फ्लाईओवर के ऊपर हैं हम। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बनाया है, फुल सिस्टम दिया, लाइट वाइट सब है। और ये बेसिकली ना, ये जो ट्रैफिक अवॉइड करने का अच्छा था कॉन्सेप्ट, ये यहाँ से जो नॉर्थ से लोग साउथ की तरफ आते हैं ना, या इधर से वो उधर लोग जाते हैं, तो ये इजी हो जाएगा उनके लिए, ट्रैफिक कम लगेगा। हाँ लगेगा तो वो बीच का जो सिटीज मारगांव या ऐसे कुछ, वो ट्रैफिक लगेगा। यार एक बात बोलो, गोवा है बहुत खूबसूरत है भरे। दो लोग तो नहीं अभी तक विजिट किए, जरूर करो, कभी भी आपको टाइम मिलता है तो जरूर आओ गोवा में, विजिट जरूर करो, अच्छा है, चिल आउट है, बीच पे जाओ, बियर लेके बैठो। हाँ दिख रहा है, वो उसके ऑपोजिट साइड
में भी आप देख सकते हो बड़े बड़े पिलर थे, सो समथिंग रियली गुड। नीचे के ब्रिज से जाते थे वो थोड़ा ओल्ड ब्रिज अभी, बट ये मैं तो लेफ्ट हैंड साइड देख रहा था, मैं बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो हम उसके उसी ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो नजारा दृश्य। काम अभी भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मीन लाइक उन लोगों ने रास्ता ओपन जरूर कर दिया है, बट जो भी वो लाइक उनका थोड़ा काम बचा हुआ वो कर रहे हैं। क्या चीज दे रहे हैं। जैसा मैंने आपको बोला बहुत लंबा है ये फ्लाईओवर, जब हमने कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान देखा था नीचे से पता लगता था कि वो वर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाके खत्म होता है। मजा आने वाला है देखते हुए, पूरा देखिए आप, पूरे ब्लॉग में मजा आने वाला है आपको। हम ऊपर जा रहे हैं, ये माउंटेन टाइप है लाइक। पार्ट बाय पार्ट बना है तो कनेक्टर दूसरे मतलब कनेक्ट हो गया, फिर फ्लाईओवर आ गया, एक छोड़ा और दूसरे मतलब किसी और पे आ गए। अभी ऐसे तो कनेक्टर कितने आए रास्ते में मैंने गिने नहीं है। पेंजी में पहुंच गए हैं, हम अभी पेंजी में पहुंच गए एक्चुअली। ये देखिए
आई ओवर ही फ्लाई ओवर उधर इधर इधर हम नीचे है हम क्योंकि हमें दूसरा रास्ता लेना है ना पहने हम वो फ्लाई ओवर के ऊपर नहीं जा रहे। वो देखिए हमारा इंडियन फ्लैग सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ये एक्चुअली जो मैं फ्लाई ओवर आप देख रहे हो ना वो आपने देखा भी होगा कुछ वीडियोस में मंदोवी करके पेंजी में जो नया फ्लाई ओवर बना था ना उसको हुआ शायद 2 साल। देखिए हम भी फ्लाई ओवर पे और हमारे साथ भी एक और बड़ा वाला फ्लाई ओवर है अतुल सेतु करके। देखो कितनी ऊंचाई पे इस पे शायद मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ बाइक नहीं अलाउड है सिर्फ गाड़ियाँ बड़ी 4 व्हीलर्स ही जा सकते हैं 2 व्हीलर्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस। ओ वाओ इधर है पानी। तो ये मांडवी ब्रिज से होते हुए यहाँ पे एक सिग्नल आया अभी हम जा रहे हैं सीधा वाला रास्ता हमें लेना है। भाई साहब हम पहने जा रहे हैं निकले ट्रैफिक लाइट से गया मेरे भाई सब लोग इधर से उधर से छूट के आ रहे हैं देखो। यार ये मैं फ्लाई ओवर देख के ऐसा लग ही नहीं रहा मैं इंडिया में फॉरेन कंट्री में जैसे फ्लाई ओवर ग्रीनरी फ्लाई ओवर मजा आ गया यार आज तो। अरे ये वाला फ्लाई ओवर भी लंबा दिख रहा है वही है जो अतुल सेतु करके मैंने आपको बताया हुआ बहुत हाइट पे बना हुआ है। ये जा रहा है अभी तक हम लोग नीचे ये फ्लाई ओवर कब कहाँ खत्म होगा नहीं पता हाइट तो अभी कम होते जा रही है तो कहीं इसका एंड होने वाला है देखते हैं कहाँ तक है शायद फॉरवरिम वहीं तक होता है मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है डायरेक्शन मुंबई कितने है 512 11 रोड मुंबई को जाता है भाई तो सीनो मैजेस्टिक पैराडाइज। हुआ के नजारे लो आप घर पे बैठे नो टिकट नो प्रॉब्लम एंजॉय करो मेरे भाइयों। ऐसे ही हमारे फ्लाई ओवर्स खत्म हुए ये ट्रैफिक स्टार्ट। पेंजिम से निकल के पारोवरिम हाँ वहीं पे घूम रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी लगता है क्राउडेड रहती है सिटी बिजी रहती है ये अच्छा है कमर्शियल प्लेस है। हाँ मॉल भी गोवा आ गया ये देखिए हम जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शॉप करना है किसी के लिए गिफ्ट लेना है। ये देखिए रास्ता किधर से रे तो जल्दी गोवा एंटर हो रहे हैं क्यू ऑडी। ए भाई मेरे ऑडी हाँ ड्रीम कार बड़ा मॉल तो बड़ा दिख रहा है ये देखिए भी बड़ा दिख रहा है मेरे मॉल मिल गया गिफ्ट है सरप्राइज है। शॉपिंग हमारी ओवर हो गई है चलिए अब चलते हैं। चलिए अभी हमने शॉपिंग हो गई हमारी लेना था ले लिया अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे हमारे साथ सीन हो गया हमारी ये ना चाय पत्ती ली थी वो यहाँ पे स्पेशल कोई रोस्टी करके मिलती है तो रास्ते में कहीं गिर गई बाइक से मालूम नहीं पड़ा उसको ढूंढ रहे थे कहीं मिल जाए पैकेज जाए रात पास Thank you.
हमने टर्न ले लिया, हम सीधा जा रहे हैं, सीधा ना आउट कर रहे हैं, पूरा मजा आएगा इधर। ये देखिए फॉरनर आ रहे हैं, तो क्या एडवेंचर करने को मिलता है। जगह अच्छी है, आप घूमो, बट रोड बहुत खराब है। डेफिनेटली फोर व्हीलर तो थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते लेके जाना पड़ेगा, टू व्हीलर को आहिस्ते आहिस्ते, तो फोर व्हीलर अपना गाड़ी खुद का समझ के चलाने का, अगर भाड़े का भी चलाते हो तो। मजा आ रहा है, ये देखिए गौरी बाइक चला रही, बुलेट है, पुराना बुलेट। तो जिस रास्ते से हम आ रहे थे, रास्ते में थोड़ा हमने मिस किया अपना जो मेन रास्ता था, तो हम बीच के रास्ते से आए, वो मंदरम बीच की साइड से आता है, आपको दिखाया भी है पहले। तो अभी हम एग्जैक्टली हमने राइट रास्ता अपना पकड़ लिया है। नो ये आ रहे फुल यार, क्या ही आज तो पूरी राइड ने मजा दिला दिया। देखिए सामने ये आ गया टैंकर, हमें अभी किधर जाना है हम भूल गए। टूरिस्ट बहुत आया हुआ है, आंखों में मिट्टी भी बड़ी जा रही है। बंद कर Thank you.
ओके इसलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं जहाँ पे हम आए थे, थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने, बाहर थोड़ा अच्छा पानी वानी पिया। तो अभी चलो नाइट का थोड़ा बाहर का प्रोग्राम बनाया डिनर आउट, तो करते हैं, देखते हैं, एडवेंचर करते हैं इधर का। एक्चुअल में बहुत मज़ा आ रहा है ये एरिया में। इसको पेनम क्या एरिया को बोलते हैं जान, मंजो मोरजी समथिंग, मैं नाम कन्फर्म करके बताता है, मैं भी श्योर नहीं है, बट हम जरूर घूम जरूर रहे हैं, गोवा में ही है नॉर्थ साइड में, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए आप भी वीडियो के साथ जुड़े, बने रहिए एंड तक, देखिए इसको बहुत एडवेंचर होने वाला है।